अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक बुक विद अमन। आज हम बनाने वाले हैं शान की शाही हलीम मिक्स, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दीजिए। तो ये है शान का स्पेशल शाही हलीम मिक्स। एक बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं 2 पैकेट्स। एक पैकेट जो है वो है मसाले का और सेकंड वन है दाल का, जिसमें हमें गंदम, चने की दाल, राइस सब इसके अंदर मिक्स होता है। तो सबसे पहले हम एक बॉल के अंदर अपनी दालें निकाल लेंगे सब। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चने की दाल भी मिक्स कर सकते हैं। ये वैसे तो साफ होती है, बट फिर भी आप इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि कोई कंकर ना हो। हम पहले इसको कर लेंगे वॉश, देन बाद में हम इसको सोक करेंगे। तो ये मैंने इसको वॉश कर लिया है अच्छे से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर, जितना आपको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप इसमें वाटर ऐड कर दें। अब हम इसको करेंगे सोक ओवरनाइट के लिए, या फिर आप 2 to 3 hours के लिए भी इसको सोक कर सकते हैं। तो मैंने इसको करा था 3 hours के लिए सोक। तो 3 hours हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। जिस पानी में हमने इसको सोक किया था उसी पानी को साथ ही हम इसके डाल देंगे, इसलिए पहले हमने इसको वॉश कर लेना है, ताकि जिस पानी में सोक करें उसी पानी में हम इसको बॉईल कर लें, कुक कर लें। हम इसको 2 to 3 whistle होने तक कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, या फिर जब तक हमारी दालें जो है वो बिल्कुल टेंडर ना हो जाए, जब तक इसको कुक कर लेना है। तो जब तक हमारी दालें जो हैं वो टेंडर हो रही हैं, हम इसका कोरमा रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ऑयल 1 cup। ऑयल जब गर्म हो जाएगा, देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर कॉर्न 1/2 teaspoon एंड 4 to 5 long, 1 bay leaf एंड 1 cinnamon stick। बीफ डाल देंगे इसमें 1/2 kg। ये मैंने लिया है बोनलेस, आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक बीफ का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon एंड अगेन हम इसको भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ ही बीफ का कलर चेंज होने तक। तो देखिए बीफ का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राइड अनियन 1 cup। अगर आपके पास फ्राइड अनियन ना हो तो आप पहले अनियन को फ्राई कर लें, देन उसके बाद बीफ इसमें ऐड कर दें। अब हम अनियन को भी 1 minute तक भूनेंगे, ताकि अनियन थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे शान का मसाला। ये मैं पूरा पैकेट डाल दे रही हूँ। अगर आपको स्पाइस कम खाते हैं तो आप अपने हिसाब से इस पैकेट को डाल लें। वैसे जिस तरह से हलीम में स्पाइस होना चाहिए वैसे ही इसमें स्पाइस आता है। अब हमने मसाले को भूनना है। अब इसमें ऐड करेंगे योगर्ट 1/2 cup और इसको अब हम ऑयल सेपरेट होने तक भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम बीफ को टेंडर करने के लिए उस हिसाब से इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वाटर ऐड किया है 2 cups। आपको जितना रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप इसमें वाटर ऐड कर लें और हम इसको कवर करके कुक करेंगे लो फ्लेम पे 30 to 35 minutes के लिए, या जब तक मीट टेंडर ना हो जाए। तो जब तक हमारा मीट टेंडर हो रहा है हम अपनी दालें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 whistles हो चुकी थी, मैंने फ्लेम को ऑफ करके इसका प्रेशर बिल्कुल निकाल लिया है। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं कि दालें टेंडर हो गई हैं या नहीं। तो ये देखिए दाल जो है वो हमारी बिल्कुल टेंडर हो चुकी हैं। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और जब बीफ हमारा टेंडर हो जाएगा फिर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑलमोस्ट 35 minutes हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं अपने बीफ को। तो ये देखिए बीफ जो है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हम इसके अंदर से बीफ को सेपरेट कर लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद श्रेड कर लेंगे। आपने हाथ से ही इसको रैंडम श्रेड करना है,
चॉपर में डाल के शर्ट मत करिएगा, वरना जिस तरह से हलीम में रेशा आना चाहिए वैसे रेशादार हलीम नहीं बनती। तो मैंने ये सारा बीफ अलग कर लिया है। अब हम इस कोरमे के अंदर जो हमने दाल को कुक किया था वो डाल देंगे। फ्लेम को ऑन करके हमने लो फ्लेम कर लेना है। अब इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कुछ भी एक लम्प ना रहे और जब हम इसको घोटा लगाएं तो अच्छे से घुट जाए। तो यहाँ पे मैंने ली है दाल घोटनी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी इसको घोट सकते हैं, बट आपने इसको जो ग्राइंडर होता है, अगर आपने ग्राइंड करना है तो बीफ डालने से पहले आप इसको हल्का सा ग्राइंड कर लें, ज़्यादा नहीं करिएगा, बस लाइट सा आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए दालें जो हैं वो हमारी बहुत अच्छे से घुट चुकी हैं। फ्लेम मैंने ऑन ही रखा हुआ है, लो फ्लेम है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से घोटा लगा लिया है। अब हमने जो बीफ को श्रेड किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। देखिए मैंने रैंडम ही हाथ से इसको बिल्कुल श्रेड किया है और अगेन अब हम इसमें लगाएंगे घोटा। सारी मेहनत हलीम में घोटे की ही होती है, जितना अच्छा से इसमें घोटा लगता है उतना ही अच्छा हलीम में रेशा आता है। तो अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट वाटर। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 कप्स, आपको जितना रिक्वायर्ड हो, जितनी लिक्विडिटी पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। साथ ही इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून एंड सॉल्ट 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। अगेन हम इसको मिक्स करेंगे और 1 to 2 मिनट्स के लिए घोट लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसमें जो है वो रेशा आ चुका है। अब हलीम हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें अब हम लगाएंगे तड़का या भगारा आप बोल सकते हैं, जिससे हलीम का टेस्ट जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो उसके लिए हम लेंगे ऑयल 1/4 कप। ऑयल जब गर्म हो जाएगा देन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अनियन स्लाइस कट 1 मीडियम और इसको हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखें जब लाइट लाइट अनियन जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, इससे डालने से बस इसका कलर थोड़ा अच्छा हो जाएगा और थोड़ा स्पाइस भी बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो मत डालें। अनियन जो है वो हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको हलीम में डाल देंगे। और अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे कुक करेंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए। तो चलिए जी 5 मिनट्स हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ करके इसको ओपन करते हैं। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए कितना अच्छा इसके अंदर जो है वो रेशा आ गया है, मज़ेदार सी हमारी हलीम रेडी। अब हम इसको करते हैं सर्व। सर्व करते वक्त आप इस पे गार्निश करें चाट मसाले से, फ्राइड अनियन, ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर लीव से। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।